अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। आज मैं तंदूरी पिज़्ज़ा लेके आई हूँ, वो मैं आपको तंदूरी पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ उसमें कौन कौन से डलेंगे। पहले मैं मसाले आपको बता देती हूँ। ये मैंने टमाटर लिया है उसको बारीक बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च है उसको भी बारीक बारीक काट लिए, हरी मिर्चें रखी हुई हैं, कोई स्पाइस खाना चाहे तो उसके लिए भी हैं, एक अंडा है इधर है, प्याज़ है वो भी मैंने ऐसे काट के रखा हुआ, और ये चिकन है जिसको मैं तंदूरी मसाला और लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा बना के उसको मिक्स करके हाफ एन आवर पहले मैंने रख दिया था, फिर इसको देन फ्राई करूँगी अभी बाद में। और ये चीनी है इसके अंदर, ऑयल है, और ये हमारे हेलोपिनो है जो कि मैं पिज़्ज़े के अंदर डालूँगी, ऑलिव्स हैं ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स, आगे नमक है, और ये चीज़ रखी हुई है मैंने, वो साबुत भी रखी हुई है, और ये मैंने जो कि ग्राइंड करके रखी है पीस के ना, ये मतलब वो इसको करके रखा हुआ बारीक करके, और ये ओरिगैनो है, ईस्ट है, और पिज़्ज़ा पेस्ट है, पिज़्ज़ा सॉस जिसको बोलते हैं वो है, पिज़्ज़े पे लगाएंगे अब। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अब सारे मसाले के अंदर डलेंगे, और ये मैं फ्राई करूँगी चिकन। तो उसके बाद अब ये है कि ये है मैदा, मैदे को क्योंकि मैंने गूंद के रख लिया है, डो बना के इसकी रख ली है, इसके अंदर मैंने ये मेरा 3 पाव मैदा है, और 3 पाव के अंदर मैंने 1 अंडा डाला है, और इसके अंदर ये ईस्ट डाली है मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के ईस्ट की, जो कि पानी में आप गर्म पानी में पहले इसको मिक्स करके फिर आप उसके अंदर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून एक चीनी और 2 टेबल स्पून ऑयल, और नमक हसबे जायका आप जो है ना वो उसमें डाल लेंगे। ये सब चीज़ें मिक्स करके पहले मैंने गूंद के ये डो बना के रख लिए। तो ये मैं अब ऐसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें ऐसे ये मतलब डो सी ये बनी हुई है, ये चले। अब मैं चिकन जिसको मैंने मसाला लगा के रख लिया था फ्राई पैन में, थोड़ा सा तेल डाला है, डाल के अब मैं चिकन को पका लूँगी ज़रा। इसको मैंने तंदूरी मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख लिया था, इसको अच्छे से हम ज़रा भून लेंगे जैसे कि बोटियाँ अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं, जैसे पिज़्ज़े में होती हैं, अच्छी तरह से इसको मैं पका के फिर पिज़्ज़े में लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, अब ये देखें चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, सही पक गया, बोटियाँ माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गई सही, अब ये तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें अब मैंने सारा ये प्लेट में निकाल लिया है इस तरह करके ऐसे। जी ये मैदा था जो मैंने आधा घंटा पहले इसमें डो बना के इसको ना रख लिया था, जो मैंने बताया था इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है वो सारी वो डाल के तो इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अब ये इस तरह हो गया, इसमें से मैंने ये एक पेड़ा निकाल लिया, ये सामने ये एक पेड़ा मैंने निकाल लिया था, ये अब इसको मैं इधर बेलूँगी, उसके बाद इसको फिर मैं ट्रे में रखूँगी। फिर इस तरह करके आपने इसको ये बेल लेना है ऐसे, ये ऐसे ये करके फिर इसको हम ट्रे में रख लेंगे, हम बेकिंग ओवन उस ट्रे के अंदर जो है फिर हम इसको रखेंगे ये ऐसे।
अब मैं इसको इस ट्रे में रख लेती हूँ इस तरह करके, और इसको साइडों से ऐसे मैं करूँगी। ये ऐसे जी, अब ये मैंने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया था इसको। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये पिज़्ज़ा सॉस। ये ऐसे करके आपने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है अच्छे से। ये ऐसे ऐसे ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी लग गई इसके ऊपर। अब इसमें मैं ये चिकन जो हमने फ्राई किया था, मैंने तंदूरी चिकन, ये मैं इसके ऊपर लगाती हूँ थोड़ा ऐसे। ये अच्छा, ये हो गया ऐसे। अब इसके ऊपर मैं सब्जियाँ डालूँगी, ग्रीन सब्ज़ी, थोड़ा सा प्याज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमने डालना है। ये थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर ऐसे। और ये ग्रीन सब्ज़ियाँ, इसमें ये शिमला मिर्च है, ये डाल दी थोड़ी सी शिमला मिर्च होगी, ये थोड़ी सी डाल दी। और ये टमाटर हैं जो कट करके रखे थे मैंने बारीक, वो भी डाल दिए इसके ऊपर ये। और ये हरी मिर्चें मैंने रखी हैं, ये टेस्ट के ऊपर है, आपको जो ज़्यादा स्पाइस खाते हैं वो ये डाल सकते हैं, जो नहीं खाते वो शक ना डालें। वो मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं ये, बहुत। ये मैंने थोड़ी सी डाल ली हैं। और ये ऑलिव्स हैं, ये ऑलिव्स हैं, ये भी थोड़े थोड़े हम ऐसे डाल देंगे, ज़रा ज़रा से ग्रीन ऑलिव्स हैं ये। ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, साथ में ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये भी मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़े थोड़े ज़रा ज़रा से, ये ऐसे। ये ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए। ये हेलोपिनो है, ये आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको ये पसंद है तो ये डालें, अगर नहीं है तो बेशक ना डालें, आपके अपने टेस्ट पे है। ये थोड़ा इससे जायका अच्छा हो जाएगा, स्पाइस हो जाएगा एक्स्ट्रा ज़रा, ये ऐसे करके। ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर ये चीज़ डालूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी, ये चैदर चीज़ है ये। ये ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी ये ऐसे। ये भर के आपने अच्छी तरीके से डाल देनी है ऐसे। ये लें जी, हमारा पिज़्ज़ा जो है अब ये बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। और ये है ओरिगैनो है, ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे डालेंगे इसको। इसका अपना एक पिज़्ज़े का जो जायका है वो बहुत अच्छा इससे होएगा। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए। लें जी, अब हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए तैयार है। अब इसको मैं बेक करके फिर आपको दिखाती हूँ जी। अब ये मैं पिज़्ज़ा ओवन में रखने लगी हूँ, ओवन जो मैंने आधा घंटा पहले प्री हीट कर लिया था। अब ये मैं ट्रे उसके अंदर, नहीं ऐसे नहीं ऐसे जाइए, हाँ ये अब मैं इसके अंदर ऐसे रख दिए। और इसको हम देंगे, हम ये ऐसे है, ये देखें, इसको हम देंगे 40 से 45 मिनट हम इसको देंगे, क्योंकि ओवन मेरा प्री हीट हुआ है। तो 45 मिनट बाद अब मैं दोबारा, जब मैं पिज़्ज़े को बाहर निकालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा अच्छे से बेक हो गया जी। व्यूअर्स, अब ये देखें हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह बेक होकर तैयार है, बिल्कुल अच्छा सा मज़े का। और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें ज़रा, ये माशाल्लाह कितना अच्छा सा
और नरम सा और बिल्कुल इतना अच्छा बेक हो गया है, क्रिस्पी सा। तो इसी तरह आप घर में बनाएं, मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरह घर में बनाएं, आप मज़ेदार घर वालों को खिलाएं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।